वेलकम अदर एपिसोड ऑफ दिनेश रिव्यू। दोस्तों आज मैं जो मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसके नाम है करण स्टारिंग धनुष। दोस्तों आपको बता दूं दैट ये जो मूवी है देखने के बाद आप लोग इनको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ दैट आप लोग स्पीचलेस रहेंगे एंड गूज़बम्स ही गूज़बम्स है दोस्तों। एंड आपको बता दूं दैट ये मूवी देखने के बाद आप लोग धनुष के फैन हो जाएंगे। आई एम श्योर एंड श्योर 100% श्योर दैट आप लोग ये मूवी देखने के बाद धनुष के बहुत बड़े फैन हो जाएंगे बिकॉज द वे धनुष हैज एक्टेड इन दिस मूवी इज रियली सुपर्ब। एंड आपको बता दूं दैट जो ये जो मूवी है आपको देखने के बाद आप लोग को इमोशंस एंड वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप लोग को बहुत सारे चीज़ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं दैट ये मूवी को डायरेक्ट किया मारी सेल्वराज। एंड दोस्तों आपको बता दूं दैट उनके जो पिछले फिल्म आई थी परियरू पेरमल दैट वॉज अ ब्लॉकबस्टर, यानी कि जहाँ पे उन्होंने एक हार्ड हिटिंग स्टोरी यानी कि सोशल कॉज को बारे में बताए थे, जहाँ पे हायर कास्ट लोअर कास्ट के बारे में जो दिखाया था एक सोसाइटी में काफ़ी अच्छा था। दोस्तों आपको बताओ दैट कर्णन इज डायरेक्टेड बाय मारी सेल्वराज एंड म्यूजिक इज बाय संतोष नारायण। एंड दोस्तों आपको बताओ दैट अभी भी स्टिल बहुत सारे गांव में दोस्तों इंडिया में जहाँ पे बसेस वगैरह रुकती नहीं उनके गांव में और मे बी बस स्टॉप्स वगैरह है ही नहीं, जहाँ पे कुछ लोगों को बसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको दूसरे गाँव में जाना पड़ता है या फिर नहीं तो 3-4 किलोमीटर चल के सिटी साइड में जाके उनको बस बोर्ड करना पड़ता है। दोस्तों सेम दोस्तों उसी प्लॉट के दायरे पे ये इस मूवी को भी बनाया गया है। एंड दोस्तों आपको बता दो दैट ये जो मूवी का स्टार्टिंग में एक सीन है दोस्तों जहाँ पे धनुष की बहन है जहाँ पे फिट्स के कारण उन्होंने स्ट्रगल करते रहते हैं जहाँ पे ज़मीन में लेटे हुए बट कोई भी हेल्प नहीं करने आते नहीं एंड जहाँ पे उनके हेल्प के लिए कोई भी बसेस वगैरह रुकती नहीं दोस्तों जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अ बैकवर्ड विलेज, जिसके कारण दोस्तों उनको हेल्प नहीं करते एंड दैट हिट हार्ड धनुष लाइफ एंड बाकी की जो भी गांव में उनके मेंबर्स है सबको ये चीज़ काफ़ी तकलीफ होती है। दोस्तों एक सीन है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है जहाँ पे उनको बस चाहिए रहता है उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बट बस वगैरह रुकता नहीं एंड कैसे एक लड़का है जो एक छोटे से पत्थर डाल के कांच तोड़ते हैं बस रुक जाती है एंड धनुष उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके कैसे बस को तोड़ते हैं, वहाँ से स्टोरी इवॉल्व होकर पुलिस के पास पहुँचते हैं पॉलिटिकल्स के पास पहुँचते हैं एंड कैसा वो पुलिस फोर्स कैसे एक गाँव को टॉर्चर करते हैं कैसे ट्रबल करते हैं वही स्टोरी है दोस्तों। एंड कैसे धनुष उस टॉर्चर एंड ट्रबल को सब आगे करके कैसे धनुष पुलिस फोर्स को फाइट करके गांव को बचाते हैं एंड क्या धनुष बस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फीस गांव पे लेके आ जाते हैं कि नहीं करके वही स्टोरी है दोस्तों। सिंपल सी स्टोरी है बट जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने दिखाया है इट्स रियली रियली ऑसम दोस्तों। एंड आपको बता दूं दैट ये जो मूवी का स्क्रीन प्ले दोस्तों सुपरबली रिटन एंड जो स्क्रिप्टिंग वर्क किया है ना दोस्तों रियली रियली आप लोग हैरान हो जाएंगे जब आप एक एक सीन देखेंगे धनुष का आज दोस्तों। एंड दोस्तों आपको बताओ जब मूवी पे जो भी सीन्स वगैरह जो भी पोर्ट्रे किया है ना दोस्तों आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा एंड हार्ड हिटिंग एंड आप लोग इमोशनली कनेक्ट होएंगे दोस्तों। एंड आपको बता दूं दैट ये मूवी पे सब लोग ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किया है दोस्तों, यहाँ तक कि जूनियर आर्टिस्ट बच्चे लोग। एंड दोस्तों कमिंग अप विद द स्क्रीन प्ले दोस्तों स्क्रीन प्ले के बारे में आपको बता दूं दैट स्क्रीन प्ले इज सुपरबली रिटन एंड आपको कहीं भी एक भी जगह पे आपको बोर नहीं होएगा एंड आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे दोस्तों। एंड ऑल्सो काफ़ी जगह पे आप लोग इमोशनली कनेक्ट करेंगे, जो स्टोरी है उस गांव का आप लोग रियली काफ़ी कनेक्ट करेंगे एंड काफ़ी जगह पे दोस्तों आपको गूज़बम्स का मोमेंट आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों कमिंग अप विद द परफॉर्मेंस दोस्तों यानी कि जो भी स्टारकास्ट वगैरह यानी कि धनुष धनुष का तो आपको पता है दोस्तों उनका जो पिछले फिल्म आई थी पे आप देखे रहेंगे कैसे धनुष अपने फैमिली को बचाता है हाई कास्ट के सोसाइटी वालों के साथ एंड यहाँ पे देखेंगे तो कर्णन पे कैसे अपने पूरे गांव को ही बचाते हैं पुलिस फोर्स एंड। एंड दोस्तों आपको धनुष का एक्टिंग तो मैं बता दूँ दैट धनुष इस फिल्म में जो एक्टिंग किया है श्योरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एंड दोस्तों आपको बता दूँ दैट उनका हर एक मूवी में धनुष यही साबित करते हैं कि माई बेस्ट इज़ येट टू कम दोस्तों आपको बता दो। एंड दोस्तों आपको बता दो दैट इस परफॉर्मेंस के लिए धनुष के लिए ज़रूर नेशनल अवार्ड मिलेंगे दोस्तों मैं बता दूँ बिकॉज जो परफॉर्मेंस धनुष ने किया है जो इमोशनली कनेक्ट किया है ना दोस्तों ऑडियंस को इज ट्रूली ट्रूली सुपर्ब दोस्तों। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आप लोगों को धनुष के परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों। आप जब देखेंगे मूवी को रियली यू गाइस गोना लव एंड जो धनुष के साथ आपको परफॉर्मेंस आपको कनेक्ट करेगा दोस्तों बहुत सारे सीन्स में एंड जो बहुत सारे सीन्स में धनुष का जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों काफ़ी ऊंचे लेवल के परफॉर्मेंस है। एंड दोस्तों आपको बता दूं दैट जो धनुष हर एक एक सीन में दोस्तों जो रॉ वे में जो फाइट करते हैं ना दोस्तों रियली रियली सुपर्ब एंड किस तरीके से उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए वो क्या क्या करते हैं ना दोस्तों वो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। एंड द अदर स्टार कास्ट लाल है जहाँ पे उन्होंने एज अ सपोर्ट कास्ट में गांव के एक लीडर के रोल प्ले किया है एंड जहाँ पे उन्होंने बेस्ट दिया है एंड सपोर्टेड वेल दोस्तों। एंड योगी बाबू दोस्तों योगी बाबू को मैं बता दूं दैट आप लोग देखे रहेंगे दैट योगी बाबू एज अ कॉमेडियन बट यहाँ पे जो मूवी पे आप लोग देखेंगे तो योगी बाबू को एज अ सीरियस मैन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड उनका एक अलग वे पता चला है बिकॉज सब लोग यही लगता है कि उनको बस कॉमेडी आता रहेगा या फिर मे बी कैन ओनली एक्ट इन कॉमेडी मूवीज बट आप लोग देखेंगे उनका जो भी लास्ट मूवी जो भी आई थी मंडेला में भी एक सीरियस मैन का प्ले किए थे दैट वॉज अ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एंड नाउ इन कर्नन ऑल्सो इट्स अ ऑसम परफॉर्मेंस। बाकी जो भी स्टार कास्ट वगैरह सपोर्टिंग कास्ट जो भी गांव के एल्डर
से लेके यंग किड्स तक सब लोग ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिए गए। एंड दोस्तों कमिंग अप विद द म्यूजिक, दोस्तों म्यूजिक सॉन्ग्स वगैरह काफी अच्छा है दोस्तों। जो एंट्री सॉन्ग है दोस्तों इट्स अ सुपरबली कोरियोग्राफ एंड जो सीन दिखाए गए ना दोस्तों काफी अच्छा है। एंड जो बीजीएम इट्स अ टॉप क्लास दोस्तों। आपको बता दें जो बीजीएम है संतोष नारायण ने जो दिया है कर्णन के लिए, आपको बता दो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों को गूज़बम्प्स आ जाएगा दोस्तों काफ़ी सीन्स में। एंड दोस्तों आपको बता दो ये बीजीएम ही है जो ये स्टोरी को कनेक्ट करके रखा रहते हैं एंड हर एक सीन में एक एक नया नया बीजीएम डाल के जो स्टोरी को कनेक्टिविटी करते हैं ना दोस्तों काफ़ी काबिली तारीफ है दोस्तों। एंड दोस्तों आपको बताओ जी जो बीजीएम का जो भी जो लेवल द इंटेंसिटी लेवल जो बताता है जो फाइट हो या फिर इमोशंस हो या फिर हैप्पीनेस हो जो भी हो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एंड दोस्तों आपको बता दो दैट जो इंटरवल में एक सॉन्ग आते हैं जहाँ पे उन्होंने नाचते हैं धनुष का, उसमें काफ़ी अच्छा है। एंड जो एंड ऑफ द मूवी में एक हैप्पीनेस का एक मूव्स करते हैं काफ़ी धनुष जो देखेंगे धनुष का एक्टिंग उसमें उभर के आते हैं दोस्तों, जहाँ पे वो ऐसा लगता है कि धनुष ने एक्ट नहीं किया बल्कि वो फिल्म के लिए वो रोल निभाया है। इट्स अ हार्ड हिटिंग सोसाइटी मूवी एंड अभी भी स्टिल देखेंगे तो बहुत सारे गाँव में अभी भी लाइक डाउनग्रेडेड करते रहते काफ़ी सोसाइटी पब्लिक को एंड स्टिल पीपल आर लाइक अंडर प्रिविलेज और मे बी उनको काफ़ी सपोर्ट नहीं मिलता है एंड जिसके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एंड ये मूवी में आप लोग को काफ़ी चीज़ें आपको जो ट्रूथ वगैरह सब मिल जाता है देखने के लिए एंड आप लोग बहुत सारी चीज़ों में कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। एंड आपको बता दूं दैट ये मूवी में जो परफॉर्मेंस सब लोग का अच्छा है, इमोशनल इज़ अ टॉप नॉच, म्यूजिक इज एंड बैकग्राउंड इज़ टॉप नॉच एंड सब सब ए क्लास है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें मूवी देखने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे यानी कि अपना हार्ड हिटिंग सोसाइटी के बारे में एंड जो भी इमोशन से कनेक्ट होकर रहेंगे मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ। सीरियसली सेइंग दोस्तों आप लोग जब ये मूवी देखेंगे जो क्लाइमैक्स का सीन्स क्लाइमैक्स का जो पार्ट है आप लोग देखेंगे आप लोग काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करेंगे एंड आप लोग बहुत इमोशनल हो जाएंगे बिकॉज जिस तरीके से जो पोर्ट्रे किया गया है डायरेक्टर ने जो मारने का तरीका एंड कैसे एक दूसरे का इमोशनल फीलिंग्स वगैरह कनेक्ट होते हैं ना दोस्तों काफ़ी तारीफ कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों जो पुलिस में जो नटी प्ले करते हैं दोस्तों क्रूअल क्रूअल यानी कि इतना डेंजरली प्ले किया है ना दोस्तों, आप लोगों को उनको देखते आपको ना इतना गुस्सा आता है कि आप ये सोचेंगे कि जाके पकड़ के मारो उसको बिकॉज इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से प्ले किया है ना एज अ पुलिस ऑफिसर। एंड जो सीन्स में वगैरह में जो मारते पे कैसे लोगों को टॉर्चर करता है दोस्तों, आपको बिलीव मी आप लोग को बहुत गुस्सा आएगा ना, ऐसा लगेगा कि आप लोग जाके उसको फटके दे दें बिकॉज इतनी डेंजरली एक्टिंग किया है, कितना क्रुएलिटी दिखाया है। एंड सीरियसली दोस्तों आप लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट करेंगे, ये मूवी इज़ अ मस्ट वॉच। एंड अगर मैं बोलूँगा कि कुछ टॉप 3 मूवीज़ में रहेंगे तो बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा तो ये मूवी ज़रूर रहना चाहिए दोस्तों बिकॉज ये मूवी इज़ अ आउट एंड आउट टॉप क्लास फिल्म। एंड जब लोग आप लोग ये मूवी देखेंगे आप लोग मेरे साथ आप श्योरली श्योरली ये भी अग्री करेंगे दैट दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ धनुष करियर एंड जो परफॉर्मेंस वगैरह जो भी दिया सब अच्छा एंड इट्स एवरी वन शुड वॉच दिस मूवी दोस्तों। एंड ये मूवी से बहुत चेंजेस हो सकते हैं सोसाइटी में भी दोस्तों, आई एम श्योर दैट ये मूवी देखने के बाद काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी हो सकता है। एंड दोस्तों कमिंग अप विद द रेटिंग्स, एंड दोस्तों रेटिंग्स तो इस मूवी के लिए मैं रेटिंग्स दूंगा तो कम पड़ जाएगा दोस्तों बिकॉज ये मूवी इतनी काफ़ी अच्छा है कि रेटिंग्स भी इसके सामने कम पड़ जाएगा। एंड ये जो मूवी का परफॉर्मेंस के लिए तो धनुष को तो ज़रूर नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए गारंटी के साथ एंड जो डायरेक्टर के लिए भी तो अवार्ड मिलना चाहिए एंड बाकी जो भी सब सब कुछ एज अ टॉप नॉच एज अ वेल मेड फिल्म एंड स्टार्स भी कम पड़ जाएंगे इस मूवी के लिए दोस्तों। द बेस्ट बेस्ट मेड मूवी एंड ज़रूर सभी लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ये मूवी बहुत सारी इम्पैक्ट कर सकती है सोसाइटी में एंड इट माइट कम अप विथ सम चेंजेस इन द सोसाइटी दोस्तों। एंड आई श्योरली रिकमेंड दिस मूवी टू एवरी वन टू वॉच एंड ज़रूर इसमें कुछ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं एंड बहुत फील कर सकते हैं। एंड दोस्तों ये था मेरा रेटिंग्स एंड माई रिव्यू एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आपको नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक सी यू, टाटा बाय बाय।